नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपके इंडक्शन कुकटॉप में E9 का एरर आ रहा है, वो बर्तन नहीं पकड़ रहा है, ना ही वो गर्म कर रहा है, तो दोस्तों आप किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से कौन से सेक्शन में E90 आता है और कहां कहां से फॉल्ट आता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इसमें पूरी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके आपको देने वाले हैं। दोस्तों कई मैकेनिक्स होते हैं कि E9 एरर आ जाता है तो बड़े घबरा जाते हैं कि हम किस तरह से इसे सॉल्व करें E9 एरर को। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको जाँचें और देखें भी किस तरह से। तो हम दोस्तों सबसे पहले हमने कुकटॉप का क्या है कि स्क्रू लगे हैं, इसमें 6-7 स्क्रू लगे होते हैं, 8 स्क्रू है, तो हम इसे आसानी से खोल लेते हैं किसी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, स्टार वाली साइड से। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं। और पूरा का पूरा वीडियो देखें दोस्तों, स्किप ना करें, क्योंकि यदि आपने फॉल्ट सीखने हैं इसके इंडक्शन के और रिपेयरिंग सीखनी है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बीच में क्योंकि मैं नॉलेज बताता रहता हूं, देता रहता हूं, तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा और आप सीख जाओगे। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसका जो कनेक्टेड वायर लगी है डिस्प्ले पैनल से, हम उसे भी निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा अलग रख देंगे, क्योंकि इसका अभी काम नहीं है। इसके बाद क्या है दोस्तों कि हमारी एक कॉइल लगी है, ये वाली कॉइल, तो दोस्तों इस कॉइल को हम खोल लेंगे। इसमें 3 स्क्रू होते हैं लगे हुए एक एक साइड, तो हम इन स्क्रू को खोल लेंगे और कॉइल को भी यहाँ से डिसकनेक्ट कर देंगे अलग। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे क्या है ना दोस्तों कि अपनी दो कनेक्टेड वायर लगी हुई, जो कि कॉइल कनेक्ट है जहाँ से पैनल के साथ से, तो हम इसके स्क्रू भी खोल लेंगे और इसे भी हम अलग करके रख लेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने फॉल्ट को सबसे पहले, आपने क्या करना है फॉल्ट को देखने के लिए, कि सबसे पहले पूरे के पूरे जो आपका सर्किट बोर्ड है उसको ध्यान से देखें, दोनों साइड से देखें कि कहीं पर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं फटा हुआ है, कोई कैपेसिटर तो नहीं फटा हुआ है, या कहीं पर कोई जलेवा तो नहीं है, कोई प्रिंट तो नहीं उखड़ा हुआ है। तो नॉर्मली कई बार क्या होता है कि प्रिंट उखड़ जाता है और वोल्टेज के कारण कोई कैपेसिटर फट जाता है, वो आसानी से दिख जाता है और हम फॉल्ट ढूंढ लेते। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम फॉल्ट नहीं ढूंढ पाते, बड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ काला काला दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्रिंट यहाँ से उखड़ चुका है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, तो हमारा जो यहाँ प्रिंट था वो उखड़ चुका है, जो कि हमारी कॉइल के साथ से आता हुआ, मींस हमारे रेक्टिफायर से जो वोल्टेज आ रही थी उस वोल्टेज से आता हुआ, कॉइल से होते हुए आता हुआ हमारे जो कैपेसिटर है इसमें लगा हुआ 300 वोल्ट का, तो उसके साथ से ही ये क्या है प्रिंट हमारा उखड़ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंट उखड़ चुका है यहाँ से, तो हम पहले तो ये प्रिंट बना लेते हैं और फिर यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारा, तो इस रेजिस्टेंस के पास भी थोड़ा प्रिंट उखड़ा हुआ है, तो हम इसे बना लेते हैं। उसके बाद हम इसे चेक करके देखते हैं कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि कुछ और प्रॉब्लम है, तो हम सब कुछ इसमें ही आज सीखने वाले हैं। इसको खोलने के बाद दोस्तों हमने जो देखा कि इसमें प्रिंट हमारा जो है निकला हुआ है, तो हम इसको बना लेते हैं। पहले प्रिंट को बना लेते हैं, प्रिंट कैसे बनाना है मैं आपको भी इसी वीडियो में बता दूंगा कि आपने प्रिंट बनाने के लिए क्या करना है और क्या क्या मटेरियल यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए ये कॉइल के साथ कनेक्ट है और यहाँ से हमारा रेक्टिफायर जो लगा हुआ है ये 4 लेग का, या इसमें से कनेक्ट होता हुआ कॉइल से निकलता हुआ फिर यहाँ पर ये प्रिंट बना हुआ है। और ये प्रिंट दोस्तों हम आसानी से बना लेंगे, आप टेंशन नहीं कीजिए। और इसके कनेक्टेड वायर जो इंडक्शन कॉइल है मान लगे भी इसके कनेक्ट इसके साथ कनेक्ट होता है। मैं से इंडक्शन का जो E9 फॉल्ट आता है वो अक्सर इससे ही आता है कि हमारे कॉइल में सप्लाई नहीं आ रही है। ये देखिए दोस्तों हमने मैंने कॉपर का एक वायर ले लिया है, जो अपना फिटिंग का वायर होता है वो उस वायर के टुकड़े को लेकर के थोड़ा छिल लिया है, और दोस्तों उसका कुछ पीस लेकर के मैंने यहाँ पर इसे सोल्डरिंग कर लिया है और आपस में कनेक्ट कर दिया है, जो हमारा प्रिंट उखड़ा हुआ था। ये देखिए दोस्तों ये मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया है और मैंने इसे भी सोल्डरिंग कर दी है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस का प्रिंट उखड़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है हम इसे चेक करते हैं, इसका शू लगाते हैं, हम सीरीज बोर्ड में देखते हैं इसको लगा करके। पहले हम इसे पैनल को भी लगा लेते हैं, आप नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं पैनल, पर मैं देख लेता हूँ क्या पता हमारा चल जाए, यही फॉल्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि अगला फॉल्ट हो तो हम उसे भी सॉल्व करके दिखाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके शू को हम लगा लेते हैं हम सीरीज बोर्ड में। देखिए सीरीज बोर्ड हमारा सीरीज लैंप जल चुका है, मीन्स शॉर्टिंग है कहीं पर, इसको रिपेयर करने के बाद हमारे पास शॉर्टिंग आ रही है। तो दोस्तों हम किस तरह से जाँचेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ है, तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना है, जो अगला स्टेप है उसको आपने सॉल्व करने के लिए, आपका जो यहाँ पर एक मॉस्फेट लगा हुआ है 3 टांगों वाला मॉस्फेट, ये देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, स्विचिंग के लिए हमारा
मॉस्फेट लगा हुआ होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे, पहले पैनल में ही, फिर बाद में हम इसे निकाल करके भी चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। आपने एक पिन यहाँ रखनी है और एक यहाँ रखनी है, दोनों को हम करेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है। कंटिन्यूटी पर मतलब कि जहाँ डायोड नापने वाला पॉइंट होता है ना, वहाँ पर आपने इसको सेट कर लेना है मल्टीमीटर को, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें एक वीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, वीप की आवाज़, तो मीन्स हमारा जो मॉस्फेट है वो भी शॉर्ट है, पर ये हम शॉर्टी से नहीं कह सकते क्योंकि ये भी बोर्ड के साथ कनेक्टेड है, लोड के साथ कनेक्टेड है, तो हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि हमारा शॉर्ट है मॉस्फेट, परंतु हम इसे बाहर निकाल करके हम इसे चेक करेंगे। हम इसे बाहर निकाल लेते हैं तभी हम कन्फर्म कर पाएंगे कि हमारा मॉस्फेट शॉर्ट है या कुछ और प्रॉब्लम है। अक्सर दोस्तों हमारे इंडक्शन कुक टॉप में यही प्रॉब्लम आती है कि ओवर वोल्टेज या ओवर लोड के कारण क्या होता है, या अंडर वोल्टेज के कारण हमारा मॉस्फेट ही मैक्सिमम उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हम मॉस्फेट को चेंज करके ही हम अच्छे खासे रिपेयरिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम यही आती है कि आपका मॉस्फेट उड़ जाता है, या 300 वोल्ट 5 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर उड़ जाता है, 3 माइक्रोफेरड का ये कैपेसिटर उड़ जाता है, 0.27 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर भी उड़ जाता है, कई बार मतलब वीक हो जाता है। तो उसे भी आसानी से चेक कर सकते हैं और उसे हम रिपेयर करके इंडक्शन कुकटॉप को बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपका मॉस्फेट शॉर्ट है तो आप एक और कारण भी देख सकते हैं कि आपका MCB ट्रिप हो जाएगा। जैसे ही आप इंडक्शन की सप्लाई देंगे, यदि शॉर्ट है आपका बोर्ड मॉस्फेट शॉर्ट है, तो आपका MCB डाउन हो जाएगा, या ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। यदि आपके पास घर में इंडक्शन कुकटॉप कनेक्ट करके MCB डाउन होता है तो आपका मॉस्फेट शॉर्ट है, उसे आप उस नंबर का मॉस्फेट ला करके आप उसे उसमें चेंज कर दीजिए, लगा दीजिए और उसे रिप्लेस कर दीजिए। देखिए हमारा ये मॉस्फेट है, तो हम इसे चेक करके आपको दिखाएंगे मल्टीमीटर से कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या शॉर्ट है या सही कंडीशन में है, तो हम आपको यही आज इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखा करें आप, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और मैं बीच बीच में हर चीज़ की नॉलेज देता रहता हूँ, मीन्स इंडक्शन के बारे में ही हर बातों को बताता रहता हूँ, फॉल्ट को बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को सुने और उसको भी अच्छी तरह से याद रख सकें कि हम इस फॉल्ट में, ये प्रॉब्लम में ये फॉल्ट आता है, ये उड़ने पर ये फॉल्ट आता है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी पे हमने इसको सेट कर लिया है, तो हम अब देखिए इसको चेक करेंगे। देखिए वीप की आवाज़ ये कर रहा है, तीनों लैग्स हमारी जो उसकी शॉर्ट हो चुकी है, तो मीन्स ये मॉस्फेट ख़राब हो चुका है, हमें यहाँ पर नया मॉस्फेट लगाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए नया मॉस्फेट ले लेते हैं, हमारे पास नया मॉस्फेट पड़ा हुआ है तो हम उसे ले लेते हैं। यदि आपका पुराना कोई इंडक्शन कुकटॉप है और आप यूज़ नहीं करते, कोई उसके में कुछ और प्रॉब्लम है, मॉस्फेट सही है, तो उससे भी निकाल सकते हैं आप। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, इसमें कुछ रीडिंग आएगी वीप की आवाज़ के साथ। ये देखिए दोस्तों, ये 12-13 रीडिंग आ रही है, जबकि यहाँ 400 समथिंग, 380, 410, 20, 30, 500 इतनी रीडिंग यहाँ पर आनी चाहिए, दो लैक्स पर आनी चाहिए और एक लैक्स पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने ये देखा तो ये पूरा शॉर्ट है, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा ख़राब हो चुका है, तो हम नया एक मॉस्फेट ले लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद। ठीक है दोस्तों, मैंने एक नया मॉस्फेट यहाँ पर ले रखा है, तो ये नए वाला मॉस्फेट है, तो मैं इसे चेक करके आपको पहले दिखा दूंगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कन्फर्म हो सके कहीं आप सोचे भाई ये वही वाला इसने निकाला और डाल दिया और फॉल्ट बता करके वीडियो बना दी, टाइम वेस्ट कर दिया कि नहीं। दोस्तों अब मॉस्फेट चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि कंटिन्यूटी पर रखना है अपने मल्टीमीटर को और एक एक करके लैग्स पर लगाना है। पहले रेड वाली लैग को लगा के रखना है एक साइड, फिर ग्राउंड वाली लैग से आपने क्या करना है इसे चेक करना है। जैसे मैं आपको बता दूँ, यह थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे चेक करने में, आपको रीडिंग भी दिखा दूंगा मैं कितनी रीडिंग आनी चाहिए दो लैग पर। ये देखिए यहाँ पर अभी नहीं चल रहा है, अब मैं इसके पिन चेंज कर दूंगा, मीन्स मल्टीमीटर के पिन चेंज कर दूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। अब आपने क्या करना है, रेड वायर को यहाँ लगाना है, चेंज कर लेनी है पिन और इसको यहाँ लगाना है। अब मैं रेड को बीच में लगाऊंगा और इसको यहाँ लगाऊंगा और फिर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा। अब रेड को बीच में लगाने के बाद न्यूट्रल को मैं पल्ली साइड लगाऊंगा, मतलब काले वाली तार को मैं दूसरी साइड लगाऊंगा, तो इसमें रीडिंग आ रही है। मैंने आपको दिखा दिया ना कि रीडिंग कितनी आ रही है, अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कितनी रीडिंग आनी चाहिए। बीच में मैंने इसको लगा लिया है, बीच वाली लैग में और साइड वाली लैग में, देखिए 438 के करीब इसमें रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आनी चाहिए। 390 के करीब भी आ सकती है, 400 के करीब आ सकती है, 450 तक आ सकती है रीडिंग, तो आपका मॉस्फेट बिल्कुल सही कंडीशन में है और ये वर्क करेगा।
ठीक है दोस्तों। तो हम इसे इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। आपने क्या करना है कि इसका ये वाला हिस्सा आपने ही हीट सिंक के साथ कनेक्ट करना है, ताकि इसकी हीट हो वो इसमें कूलिंग का काम करें, ठीक है दोस्तों। और हमने इसको इस साइड लगाना है, जो इसके काले वाली साइड है वो नीचे को रखनी है, और जो ये हमारी सिल्वर कलर की साइड दिख रही है वो हीट सिंक वाली साइड रखनी है। तो हम इसमें किस में कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ा इस पर सोल्डर लगा देते हैं हम, ताकि अच्छे से पकड़ सके। तो हमने इस पर सोल्डरिंग लगानी है और हम इसे इसमें फंसा देते हैं इस तरह से, बड़े आसानी से फंस जाएगा। निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करें कि आप डिसोल्डरिंग पंप भी ले सकते हैं या डिसोल्डरिंग वायर भी ले सकते हैं, जिसके द्वारा कि बड़ी आसानी से आप इसे निकाल सकेंगे, ठीक है दोस्तों। कई बार प्रिंट उखड़ जाता है निकालते हुए, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रिंट उखड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखा दूँगा कि आपने किस तरह से प्रिंट बनाना है और किस तरह से आपने उसको रिपेयर करना है प्रिंट को। यदि प्रिंट उखड़ जाए वहाँ से जहाँ पर हमने कनेक्ट करना है वहाँ कनेक्ट नहीं हो, तो उससे आगे पीछे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से कनेक्ट करना है आपने। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको इसके लेवल का ले लिया है, तो अब हम इसकी हीट सिंक इसमें टाइट कर देते हैं। सोल्डरिंग हम बाद में करेंगे मोसफेट की, तो हम इसे टाइट कर देते हैं इसके अंदर। दोस्तों वीडियो बेशक लंबा होता है, रिपेयरिंग का कोई भी वीडियो होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही चैनल पर लंबा वीडियो हो तो आप प्रॉब्लम होती है, परंतु किसी भी जो आपको काम सिखाएगा वो पूरा तरीके से सिखाएगा आपको, तो वीडियो लंबा भी हो सकता है। लंबा होने का कारण ये नहीं कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको वीडियो सिखा करके जाता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी मकैनिक है, कोई भी बंदा है जो आपको बना रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है वीडियो पे, वीडियो बना रहा है, तो उसके लिए आप दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। शेयर यदि नहीं करना है तो आप उससे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और उसको भी आप वीडियो को भी लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करता है बंदा वीडियो बनाने के लिए, तो आप ज़रूर से इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आप भी सीख रहे हो, आप भी रोज़गार कमाने के लिए ही सीख रहे हो ना काम, कोई फॉल्ट अपनी दिक्कत के लिए सीख रहे हो तो कोई बात नहीं दोस्तों। बंदे सिखाते हैं परंतु वो मेहनत करते हैं यार, वीडियो बनाते हैं फिर उसको अपलोड करते हैं, उसमें बहुत काम होता है दोस्तों, एडिट करते हैं फिर आपके लिए लेकर के आते हैं, तो उनको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दे दें। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको मोसफेट को लगा दिया, तो यहाँ प्रिंट उखड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से थोड़ा थोड़ा छिल लेना है, जो ये नीले कलर की परत इसके ऊपर चढ़ी हुई है, तो आपने इसको छिल लेना है ताकि इसका जो नीचे कॉपर की परत है वो निकल जाए और उसके ऊपर हम सोल्डरिंग कर सकें, और आपने लेग को पूरा पूरा इसके ऊपर बिठा देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं इसके ऊपर। पेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा लेना है, ताकि इसमें आपकी जो मोसफेट की लेग है वो चिपक सके। हाँ लगा देते दोस्तों, थोड़ी दिक्कत आती है इसमें लगाने में, परंतु ये लग जाता है। आयरन यदि आपका बढ़िया वाटेज का है तो ये आसानी से लग जाता है। मैं आपको अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा, मैं आपको सोल्डरिंग आयरन के ऊपर भी लेकर के आऊँगा एक वीडियो, यदि आप चाहोगे हमें कमेंट करोगे तो हम आपको ज़रूर एक सोल्डरिंग आयरन बताएंगे, जो सबसे सस्ता सोल्डरिंग आयरन आप लोग अपने घर पर ही बना सकते हैं, अपने घर पर ही बिल्कुल फ्री में, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा वीडियो। और मेरा एक वीडियो और आने वाला है, जिसमें हम MP3 ब्लूटूथ बॉक्स भी एक बनाएंगे, होम थिएटर बनाएंगे, वो वीडियो आएगा। यदि आप चाहोगे तो हम कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि हम वो वीडियो बनाएं या ना बनाएं, हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। यदि किसी को हम सोल्डरिंग कर लेंगे, सोल्डरिंग को बड़े प्यार से करना है आपने, बड़े स्पाई से करना है, ताकि पता ही ना चले कि रिपेयरिंग भी हुआ है, ठीक है दोस्तों। आपके हाथों में जितनी स्पाई होगी उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट काम कर पाओगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको अब रिपेयर कर दिया है, हमने इसकी सोल्डरिंग भी कर दी है, तो हम इसे चेक करने की बारी है। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए, हमने प्रिंट भी बना दिया है और हम इसको अच्छे से टाइट कर देना है। जो दोस्तों हमारा मोसफेट जो हीट सिंक के साथ होता है ना, इसे आप लूज बिल्कुल ना छोड़ें, इसको पूरा टाइट करके रखें, आपका मोसफेट कभी नहीं उड़ेगा। यदि उसे हीटिंग के लिए कूलिंग का सोर्स मिल रहा है, उसको हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मिल रहा है, तो आपका मोसफेट नहीं उड़ेगा। ज़्यादातर कारण में हीटिंग से ही आपका मोसफेट उड़ता है, ठीक है दोस्तों। उसे कूलिंग अच्छी हो तो मोसफेट आपका वर्क करता रहेगा, नहीं उड़ेगा। ऐसे तो इसमें एक सिलिका पेस्ट भी होता है दोस्तों, वो भी आप लगा सकते हैं, सिलिकॉन का पेस्ट होता है, उसे भी आप यूज कर सकते हो। इसके साथ वाइट से कलर का होता है, सेंसर के पास जो लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। 20-30 रुपए की डब्बी आती है, एक ट्यूब भी आती है 40-50 रुपए की, आप रख लें उसको लगा लें, उसके कारण भी बढ़िया रहता है कि आपका मोसफेट नहीं उड़ेगा और अच्छे से वर्क करेगा। तो हम इसका जैक लगा लेते हैं, सारे जैक हमने इसमें कनेक्ट कर दिए हैं।
तो कनेक्ट करने के बाद हम इसे सप्लाई देंगे। अभी हम सीरीज लैंप से ही सप्लाई देंगे इसको। ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हम देख लेते हैं। पहले तो शॉर्टिंग चेक कर लेंगे इसकी। पूरा लाइव वीडियो बना रखा दोस्तों, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की इसमें, कोई इसमें रोका नहीं, वीडियो को पूरा बनाया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने सप्लाई दे दी है तो सप्लाई इसमें आ चुकी है, मीन्स शॉर्टिंग इसमें नहीं है। अभी सीरीज लैंप भी नहीं जल रहा है। ये देखिए E0 का एरर आ गया, हमारा E9 का एरर भी हट चुका है दोस्तों। और हमारा क्या है कि सीरीज लैंप भी नहीं जल रहा है, मीन्स हमारा इंडक्शन पूरा ओके है। मीन्स आपका यदि सर्किट बोर्ड ओके होगा तो आपका सीरीज लैंप नहीं चलेगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो नहीं चलेगा, और यदि होगा तो जल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर कुछ गर्म करने के लिए रख दिया है बर्तन में। अब इसको चला करके देखते हैं ये हीट कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए लोड ले रहा है, हमारा सीरीज लैंप ब्लिंक कर रहा है। तो हम इसे अभी सीरीज से हटा करके डायरेक्ट सप्लाई 230 वोल्ट दे देंगे। और हमेशा आपने इंडक्शन को सीरीज में ही चेक करना है, जो कुछ भी हो आपने रिपेयर करने के बाद भी अपने सीरीज लैंप से ही चेक करना है इंडक्शन कुकटॉप को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, शॉर्टिंग होती है तो आपका फिर मॉसफेट वगैरह आप दोबारा चेंज करोगे तो वो उड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वर्क कर रहा है अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, ये पानी गर्म भी कर रहा है और E9 का एरर भी चले गया है इसका, और ये बर्तन को भी अच्छे से कैच कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसे पूरा वर्क कर रहा है। पहले ये की पैड भी इसका वर्क नहीं कर रहा था। 2000 वाट इस पीस को रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बड़े अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो हमारे इस वीडियो से, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का वीडियो हम आगे भी लेके आएंगे, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इंडक्शन के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आप हमें और पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। आप किसमें कोई भी फॉल्ट होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे और आपका जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।